Hi guys, welcome or welcome back to my channel and welcome back to yet another haul video. But this time I have a different haul video. This time I have went to a Miniso store and वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें pick करी हैं. साथ के साथ मैं आपको एक store का भी एक tour kind of दूंगी कि वहाँ पर क्या क्या stuff available है और उसके बाद मैं बताऊंगी कि मैंने वहाँ से क्या क्या पिक किया है एंड वर्दी है स्टफ़ या नहीं है, बिकॉज इट्स बीन अ वीक सिंस आई वाज ट्राइंग एंड टेस्टिंग दीज प्रोडक्ट्स, सो दैट आई कैन गिव यू अ लिटिल रिव्यू काइंड ऑफ अ थिंग एज वेल. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज़ टेक अ मोमेंट टू हिट ऑन दैट रेड सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो एंड हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल एज वेल सो यू नेवर मिस एनी ऑफ माई वीडियोज. एंड इफ यू आर नॉट फॉलोइंग मी इंस्टाग्राम येट देन प्लीज़ कम एंड फॉलो मी देयर to stay updated for upcoming videos. And now without wasting a minute, let's get started. Okay, so जैसे आप स्टोर में एंटर करते हो आपको सबसे पहले दिखता है परफ्यूम का सेक्शन और एक तरफ थे डिओड्रेंट का सेक्शन, बॉडी मिस्ट थे, बहुत अच्छी अच्छी फ्रेग्रेंसेस थी, अम्ब्रेलास पड़े हुए थे और उसके बिल्कुल पीछे सॉक्स का सेक्शन था, देन स्लीपर्स थे, बैग्स थे, क्रॉकरी का सेक्शन था एंड किचन की आइटम्स भी थी, लाइक टिफ़िन बॉक्सेस थे और बहुत सारे टम्बलर्स थे, बॉटल्स थी, वाटर बॉटल्स थी, बहुत क्यूट स्टफ़ था एंड छोटे डस्टबिन, देन स्टोरेज बॉक्सेस, देन स्टोरेज बास्केट्स एंड बाथरूम मैट्स, देन बैग्स. लाइक यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी यू नो एक वैरायटी थी बैग्स की, लाइक बैकपैक्स थे, हैंड बैग्स थे, छोटे जो कॉइन वाले पाउचेज होते हैं वो थे, बहुत से प्यारे प्यारे पाउचेज थे यहाँ पे. एंड इनके पास ज़्यादा स्किन केयर का सेक्शन नहीं था, स्किन केयर आई थिंक था बट शायद मैं देखना भूल गई उसको, मैंने बाद में जब वीडियो देख रही थी तब मुझे ध्यान आया. तो वहाँ पे थोड़ा सा स्किन केयर का सेक्शन भी था जिसमें शीट मास्क थी, देन फेस वॉश अवेलेबल थे, देन देयर वर मिरर्स, कुछ मिरर्स थे, मुझे कुछ खास डिज़ाइन नहीं लगे, देन आई मास्क थे काफ़ी सारे, देन फेस मास्क थे. एंड देन आई वेंट टू द कैंडल सेक्शन जहाँ पे काफ़ी सारी वैरायटी आपको मिल जाती है, देन एम्प्टी कंटेनर्स थे जिनको आप यूज़ कर सकते हो, देन मग का सेक्शन था, बहुत सारे टम्बलर्स थे एज आई सेड, देन हेयर बैंड का सेक्शन था, शार कैप्स अवेलेबल थी बहुत सारी, बाथरूम का काफ़ी सारा स्टफ था लाइक इंक्लूडिंग द ब्रश, बाथरूम ब्रश होल्डर और सोप केस एंड ऑल दैट स्टफ. अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने वहाँ से क्या पिक किया. सबसे पहले मैंने पिक किए हैं ये प्लेट्स का सेट, ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 प्लेट्स का सेट है. मुझे ये पेस्टल कलर बहुत प्यारे लगे थे. आई डोंट नो मैं किस चीज़ में इनको यूज़ करने वाली हूँ. आई थिंक दे आर बेस्ट फॉर फ्रूट्स एंड बिस्किट वगैरह उसके लिए रखने के लिए ठीक है, खाना खाने के लिए तो आई डोंट थिंक सो कि ये ठीक रहेंगे, बिकॉज ग्रीन पे हल्दी का स्टेन लग गया तो वह जाएगा नहीं, बिकॉज दे आर वेरी वेरी लाइट इन कलर और आई डोंट थिंक सो कि ये ठीक होंगे या नहीं, बट यस मुझे कलर्स अच्छे लगे, दैट्स वाई पिक दिस. एंड इसके साथ ही मैंने पिक किए हैं ये ग्लास का सेट, ये भी पेस्टल कलर में है. आई जस्ट लव दीज कलर्स. पहले मेरे को था कि आई एम गोना यूज़ देम हेयर, लाइक यहाँ पे मेरे बैकड्रॉप में आई एम गोना पुट दीज एंड इनके बीच में यू नो फ्लावर्स रख दूँगी, तो उस तरह से यू नो जब भी कलर कोऑर्डिनेशन के हिसाब से कलर मैच करके मैं इनको यूज़ कर लूँगी. बट पानी के लिए ठीक है, जूस के लिए ठीक है, गर्म चीज़ के लिए आई एम नॉट श्योर कि ये यू नो चाय कॉफ़ी वगैरह के लिए ठीक होंगे. दे आर बेसिकली जस्ट फॉर वाटर एंड जूसेस, दैट्स इट. उसके बाद मैंने पिक किया है दिस कॉटन पैड्स मल्टीपर्पस, ये 225 कॉटन का इस तरह का ये पैक है एंड प्राइजेज आपको मैं स्क्रीन पे डाल दूंगी, आप देख लेना कितने कितने का है. वेरी वेरी अफोर्डेबल, सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि लेट्स गेट दिस वन एज वेल. देन आई हैव पिक्ड सॉक्स का पेयर, यहाँ पे आपको दो पेयर थे ये, लाइक हाँ दो पेयर का एक सेट था. सो मैंने यहाँ पे एक ब्लू एंड एक पिंक, यू गाइज नो दीज बोथ कलर आर माई फेवरेट, लाइक ब्लू पिंक, मतलब इफ आई एम गेटिंग ब्लू आई एम डेफिनेटली हैव टू गेट वन इन पिंक, सो दैट्स वाई मैंने टू पेयर के ये सेट थे, लेकिन दो मैंने ले लिए हैं. क्वालिटी वाइज सी मैंने अभी यूज़ नहीं करा है बट मैंने वॉश करके इनको देख लिया है, सो दे आर प्रिटी नाइस, लाइक ठीक है, लाइक 150 में आपको टू पेयर मिल रहे हैं विच इज़ लाइक फाइन. ओके,
देन एक मैंने पिक किया है दिस हेयर बैंड. इस तरह का मेरे पास पहले भी था बट आई थॉट कि चलो एक डिफरेंट कलर में हो जाएगा. मैंने अभी इसको यूज़ नहीं किया है. इसको भी यूज़ करके देखेंगे कि ये कैसा है. मे बी कभी ना कभी किसी ना किसी डेमो में आपको देखने को मिल जाएगा ये. एंड देन आई पिक दिस आई मास्क. काफ़ी टाइम से मेरे को एक आई मास्क की ज़रूरत थी. इससे पहले मैं एक पैंडा वाली जो आईज़ बनी होती हैं पैंडा शेप का वो मेरे पास था लेकिन वो उसका जो स्ट्रिंग था वो लूज़ हो गया था. एंड देन आई फाउंड दिस वन बिकॉज बहुत टाइम से आई वॉन्टेड टू गेट अ सिल्क आई मास्क बट इट्स नॉट प्योर सिल्क. आई थिंक ये साटन काइंड ऑफ अ मटीरियल का है बट विच इज़ फाइन. लाइक दोनों साइड एक जैसा ही साटन टाइप का मटीरियल है. बहुत ही सॉफ्ट है और मुझे ये बहुत प्यारा लगा. इसके पीछे यहाँ पे ये एडजस्टेबल स्टिंग भी है बट वहाँ पे इशू ये था ना कि आप इनको खोल के नहीं देख सकते हो, ट्राई करके नहीं देख सकते हो बिकॉज सील होते हैं वो. वैसे तो विच इज़ प्लस लाइक यू कैन सी बहुत ब्यूटीफुल है ये, बहुत अच्छा लगता है. यू कैन सी काफ़ी एरिया ये कवर कर देता है आपका. सो लाइट का आने का कोई चांस नहीं है. सो आई काइंड लाइक इट. मुझे बहुत अच्छा लगा. आई हैव बिन यूजिंग इट. आई मे गेट मोर. लाइक उसमें दो तीन और वराइटीज़ भी थी जो मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो मैं डेफिनेटली पिक करूँगी. लव दिस स्टफ. हाईली हाईली रिकमेंडेड इफ़ यू गोइंग. पिक किया है दीज ईयरबड्स का पैक. ये मुझे बहुत ही क्यूट लगा था बिकॉज बहुत ही डिफरेंट से क्यूट से कलर है, ब्लू येलो एंड पिंक. सो मैंने कहा चलो ले लेते हैं. नेक्स्ट मैंने पिक किया है दिस टम्बलर. आई जस्ट लव दिस वन. इसके ऊपर आइस बियर बना हुआ है एंड इफ़ यू फॉलोइंग माई ब्लॉग्स और इफ़ यू वॉच माई स्टोरीज यू नो वी लव टू वॉच ये आइस बियर वाला एक सीरियल आता है बच्चों वाला जो मैं और अमायरा बहुत देखते हैं. एंड ये बहुत ही अच्छा है. अंदर से ये ग्लास है, बाहर से प्लास्टिक की कोटिंग है. इसको क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं आती है पानी की. इसमें सिर्फ एक मग आता है, बहुत ही छोटा सा है. लाइक देखने को काफ़ी बड़ा लगता है लेकिन सिर्फ इसमें एक गिलास पानी का आता है विच इज़ लाइक फाइन. कहीं ट्रैवलिंग में हो तो हैंड बैग में आप इसको आराम से डाल सकते हो. एंड आई जस्ट लव दिस वन. जस्ट लुक एट दिस वन, इट्स सो क्यूट. नेक्स्ट मैंने पिक किया है दिस सेंट कैंडल इन ट्रॉपिकल पीच. सो इफ़ यू हैव सीन द इनिशियल क्लिप्स यू नो कि वहाँ पे बहुत सारी वैरायटी थी लेकिन मुझे सिर्फ एक यही पसंद आई थी बिकॉज इसका फ्रेग्रेंस ही ठीक ठाक था. बाकियों का मुझे फ्रेग्रेंस कुछ खास नहीं लगा. ये सेरेमिक का है और दैट्स हाउ दिस कैंडल लुक्स लाइक. मैंने इसको एक बार बर्न किया था बट उतना ज़्यादा अरोमा मुझे नहीं आया. मे बी दिस स्पेस इज़ ह्यूज कि मे बी आप क्लोज स्पेस में लगाओगे तो शायद आपको ज़्यादा अच्छे से पता चले कि खुशबू ज़्यादा देता है या नहीं. बट ये बेसिकली मैंने यू नो यहाँ पीछे अपने यहाँ पे यू नो बैकड्रॉप में रखने के लिए लिया है. सो विच इज़ फाइन. कभी मन करेगा जलाने का तो जला लेंगे. अदरवाइज या कलर इज़ क्यूट. इसमें एक और कलर था दैट आई माइट गेट नेक्स्ट टाइम. नेक्स्ट मैंने पिक किया है दिस डिओड्रेंट. ये है यूनिक डिओड्रेंट बॉडी स्प्रे. ब्रिलियंट शेड में है और ये इसमें और बहुत सारी ऑप्शंस थी बट ये मुझे ज़्यादा बेटर लगा. दैट्स वाई गॉट दिस वन फॉर अमायरास पापा बिकॉज सस्ता था दैट्स वाई. ओके एंड सेकेंड मैंने पिक किया है दिस बॉडी मिस्ट. इट्स अ जॉयफुल डांस. ओ माय गॉड आई जस्ट लव दिस वन. नाउ दिस गाय राइट हेयर स्मेल्स एग्जैक्टली सेम लाइक माय not one of the favorite like my favorite fragrances of all time. It smells exactly same. Oh my god, like I can't even tell you. If you're going to a Miniso store or if you're getting this fragrance, just go for it. If you love sweet floral fragrances, you wanna love this one. And this one smells exactly like my Victoria's Secret Bombshell. Oh my god. But the only difference is, of course, the price difference is huge. So only difference is it doesn't last long. It lasts you up to 2 to 3 hours, not more than that. And Victoria's Secret that stays or that lingers on. जब तक आप वो कपड़े धोए हैं तब तक वो फ्रेगनेंस आपको आती रहती है. दैट्स सुपर सुपर लॉन्ग लास्टिंग. एंड ये उतना सुपर लॉन्ग लास्टिंग नहीं है बट ठीक है. दैट कॉस्ट 8,000 एंड दिस कॉस्ट जस्ट 260 रुपीज़ विच इज़ लाइक फाइन. आई हैव पिक दिस EDT. इट्स इन अ फ्लेवर डानिश ग्रीन.
बहुत ही प्यारी पैकेजिंग है, आप देख सकते हो, इट्स वेरी वेरी प्रिटी, इट लुक्स वेरी लग्जूरियस. ओके, ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए लिया था बट मैंने अभी उनको दिया नहीं है ये, बिकॉज आई लव फ्रेग्रेंसेज और मेरा उनको देने का मन नहीं करता है. सो बहुत ही प्यारी पैकेजिंग है. इफ़ यू वॉन्टेड टू गिफ्ट दिस टू योर हस्बैंड यू कैन, और इफ़ यू वॉन्टेड टू फॉर योर सेल्फ आप अपने लिए भी ले सकते हो. लाइक इन तीनों फ्रेग्रेंसेज में से अगर मैं कोई एक की बात करूँ ना, लाइक सी प्राइजेस का ऑफकोर्स डिफरेंस है, दिस वन इज़ फॉर 150, दिस इज 260 एंड दिस इज 400, बट आई लव दिस दी मोस्ट बिकॉज यू गाइज नो द रीज़न वाई. बट ओवरऑल सारी फ्रेग्रेंसेज बहुत अच्छी हैं और वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी वराइटीज़ और भी अवेलेबल थी. नेक्स्ट टाइम आई एम डेफिनेटली गोना गेट मोर स्टफ, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू सी सच मोर वीडियोज देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू वॉन्ट द पार्ट टू एज वेल. आई एम डेफिनेटली गोना गो अगेन इन सम टाइम एंड आई एम गोना गेट मोर स्टफ फ्रॉम देयर, बिकॉज उस टाइम पे यू नो ज़्यादा टाइम नहीं था इसलिए मैं ज़्यादा चीज़ें पिक नहीं कर पाई, यही था जो मैं ले पाई हूँ. सो या इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वन अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन टेक केयर एंड स्टे ब्यूटिफुल. बाय बाय.